बहनों, जीवन में तरक्की आई है क्या? कुछ मिला है कि चुनाव आ रहा है? 2 महीने पहले बता दिया लाडली योजना, 2 महीने पहले बताया ना कि आप लाडली हैं। क्यों, इससे पहले लाडली नहीं थी? इससे पहले गरीब नहीं थी? इससे पहले संकटों का सामना नहीं कर रही थी? इससे पहले संघर्ष नहीं कर रही थी कि आज आप लाडली बन गई हैं? मुझे याद आता है, मेरी एक सहेली थी, हम जब छोटे थे बचपन में साथ में स्कूल में थे, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई एक ऐसे परिवार में जिसके मुखिया बड़े कंजूस थे। जब भी कुछ देना होता था, कुछ नहीं देते थे परिवार को। बेचारी खुद अपना कुछ कुछ जुगाड़ करके अपना कुछ कर लेती थी जब जरूरत पड़ती थी। जब भी मांगे या जो उसके पति मांगते थे या कुछ कोई मदद हो जाए, दिवाली है कुछ, तो सारा खर्चा पति उठाए, सारा खर्चा खुद उठाई, मुखिया कुछ देते नहीं थे। एक दिन बड़ी खुश होके मेरे घर आई, 18 साल बाद बड़ी खुश होके मेरे घर आई, बोलने लगी कि यार आज तो बड़ा गजब हो गया। मैंने क्या क्या हुआ? कहती है मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने कहा कि भाई खाता खोल दो, आज से हर महीने तुम्हें हम पैसे देंगे। कहानी है। अब बताओ बहनों, आपकी ऐसी सहेली हो जिसकी शादी ऐसे परिवार में हो जाए जहां मुखिया कुछ नहीं देता, 18 साल से बेचारी सर पीट रही है, खुद सारा जुगाड़ करती है अपने पति के साथ, 18 सालों बाद एक दिन मुखिया जाके बोले कि भाई तुम तो मेरी लाडली हो, आज से तुम खाता खोलो, तुम्हें मैं पैसे दूंगा, तो तुम क्या कहती उससे? क्या कहती? तुम यही कहती ना, ध्यान रखो इसमें कुछ चाल जरूर होगी, ससुर जी तुमसे खाता खुलवा रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। कहती ना, कहती ना कि सावधान रहे मेरी बहन, कुछ गड़बड़ लगती है इस बात में, इतना खुश मत होना। वही कहने आई हूं मैं आपसे, मैंने सुना है बड़ी लाडली योजना चल रही है। चल रही ना, सावधान रहो मेरी बहन, जिसने 18 सालों के लिए आपके लिए कुछ नहीं किया ना, वो मुखिया चुनाव के पहले खाता खुलवा रहा है। कुछ चाहिए आपसे, चुनाव के बाद क्या होगा हमें पता नहीं, ध्यान रखिए इन बातों का।